नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मंत्र से भी शक्तिशाली है बीज मंत्र। किस संकट के लिए, किस समय, किस बीज मंत्र का कैसे करें जाप, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, काल चक्र में पंडित जी ने आपको मंत्रों के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन आज पंडित जी हम सभी को बीज मंत्र के बारे में बताएंगे। आखिर क्या है बीज मंत्र और कैसे, कब और किस समय बीज मंत्र का जाप किया जाता है, क्या है बीज मंत्र से जुड़े रहस्य, ये सब जानने के लिए देखते रहिए काल चक्र। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमें फोन करें, हमारा नंबर है 01206652411। तो पंडित जी, अगर बात की जाए, शास्त्रों में हमेशा ही बीज मंत्र का एक महत्व है, साथ ही पहले बीज मंत्र के में हम बताएं, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे इस बीज मंत्र का प्रभाव क्या है और इस बीज मंत्र का उपयोग कैसे करना चाहिए। देखो, पहली बात तो ये जान लो, बीज मंत्र के पहले भी मंत्र क्या है। मंत्र उन अक्षरों का समूह है जिससे एक दिव्य ऊर्जा निकलती है, एक दिव्य शक्ति प्रकाशित होती है, और जो सकारात्मक ऊर्जा को खींचती है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। प्रभु श्री राम ने सबरी से मुलाकात करने के बाद अपनी नवधा भक्ति बताई है। देखिए, आज भी लोग कहते हैं जात पात छुआछूत ऊंच नीच ये सब होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सबरी जात की भिल्लनी थी और उस समय के कुछ जी वहां के साधु महात्मा उसका कभी कभार अपमान भी कर देते थे, लेकिन वो मतंग मुनि की शिष्या थी। मतंग मुनि का वरदहस्त उसके ऊपर रहता था। मतंग मुनि का जब आखिरी समय आया तो उन्होंने सबरी को बुला करके कहा कि बेटा, अब तो मेरा समय आ गया है, अब तो मैं प्रभु के धाम जा रहा हूं। तो बोली, महाराज जी, अब मैं किसके आश्रय रहूंगी, किसके भरोसे रहूंगी, यहाँ तो आपके अलावा और कोई संबल नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जिसके भरोसे सारा संसार रहता है उसी के भरोसे तुम भी रहोगी, और जिनके धाम मैं जा रहा हूँ वो तुम्हारे धाम खुद आएंगे जी। और उसी दिन से अपने गुरु के वचन पर विश्वास करके सबरी अपने आश्रम के सामने से रोज झाड़ू लगा करके, फूल बिछा करके और तैयारियां करती थी कि कब राम और लक्ष्मण आएंगे। एक दिन ऐसा हुआ जब राम और लक्ष्मण उसकी कुटिया में आए और उसकी जूठी बेर खा करके और सबरी को अमर कर दिए। तो कहने का मतलब यह है कि जब नवधा भक्ति बताते हैं प्रभु, तो ये भी कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति जो मनुष्य की है वो मंत्र जाप में विश्वास की है। तो बीज मंत्र जो है ये शक्तिशाली मंत्र है जिनका उपयोग देवी देवताओं के आवाहन के लिए किया जाता है। बीज मंत्रों का प्रभाव अचूक होता है। बीज मंत्रों का जप करने से आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। बीज मंत्रों का जप करने से व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है। बीज मंत्रों का जप करने से अगर आपकी जन्म कुंडली में कमजोर ग्रह हैं वो भी मजबूत हो जाते हैं। दृढ़ विश्वास और पवित्र मन से जब बीज मंत्रों का जप किया जाता है तो व्यक्ति की कई इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। बीज मंत्र के जप से अच्छी सेहत, धन, प्रेम, मान सम्मान और सफलता की प्राप्ति होती है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बीज मंत्रों के जप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। बीज मंत्रों के जप से आलस्य और रोग से भी मुक्ति मिलती है। बीज मंत्र और मंत्रों का जप मानसिक तनाव को भी कम करने की शक्ति रखता है। जो लोग एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हैं उन्हें तो बीज मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये बीज मंत्र उनके लिए अमृत की तरह उपयोगी होंगे। मंत्रों के जप से हृदय गति को सामान्य किया जा सकता है।
अगर आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे भागता है और आप बीज मंत्रों का नियमित सुबह शाम जप करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से आपकी हृदय गति सामान्य अवस्था को प्राप्त होगी और आप चिरंजीवी दीर्घायु जीवन को प्राप्त होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे बीज मंत्र की। क्या है इस बीज मंत्र की खासियत और क्या है इसको जपने के लाभ, बताएं पंडित जी। देखिए, संपूर्ण गीता का जब अध्ययन आप कर लेंगे तो आपको एक निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। वो निष्कर्ष ये है कि ओम जो है, ओम यही जो है प्रभु का स्वरूप है। ओम इत्येका, ओम ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ये एकाक्षर ब्रह्म है। ओम जो बीज मंत्र है अ उ म से बना हुआ है, इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेवों की शक्तियां समाहित हैं। वैसे तो नियम है पद्मासन में ओम बीज मंत्र का जप करने से मन शांत रहता है, लेकिन पद्मासन तो वही लगा सकता है जो शरीर से स्वस्थ होगा, जो युवा होगा या जिसका अभ्यास होगा। पद्मासन का मतलब आप समझ ही सकते हैं, एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ा करके बैठने का नाम पद्मासन है। पद्मासन में इसलिए बैठने की बात शास्त्रों में की जाती है कि इससे व्यक्ति का ब्रह्मचर्य मजबूत होता है। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में अलथी पलथी मार के बैठ सकते हैं। ऐसे भी बैठ करके अगर आप ओम मंत्र का जप करें तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। और इसमें भी अगर आप सोने पे सुहागा चढ़ाना चाहते हैं तो ओ मन में ओ सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए और म सोचते हुए श्वास को बाहर ले आइए। अगर ये क्रिया आपने 24 मिनट सुबह शाम कर दी तो 24 दिनों के अंदर आपको ऐसा कुछ आभास होगा, ऐसा कुछ महसूस होगा जिसे आपने जीवन में कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन 24 मिनट आसान नहीं है, बिना अभ्यास के 24 मिनट होना आसान नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे बीज मंत्र के, जिसके जाप से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है और लक्ष्मी जी की कृपा भी आप पर बरस सकती है। पंडित जी, हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी जी की कृपा उन पर बरसे, और बीज मंत्र आप बता रहे हैं कि हर बीज मंत्र का अपना अपना एक औचित्य है और उपाय भी है, तो इस बीज मंत्र को कैसे किया जाना चाहिए? देखिए, माँ लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है ना, वो है श्रीम। कई बार हमने कार्यक्रम में बताया है कि जो लोग श्रीम बीज मंत्र का 12 लाख जप कर लेते हैं उनके हृदय में साक्षात महालक्ष्मी निवास करने लगती हैं। और ये बीज मंत्र यदि श्वास पर जप कर लिया जाए, श्री सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाया जाए और म सोचते हुए श्वास को बाहर निकाला जाए, इस तरह से अगर 1000 बीज मंत्र का 10 माला रोज जप किया जाए और 3.5 साल तक ये जप किया जाए तो ऐसा व्यक्ति माँ महालक्ष्मी का कृपा पात्र बन जाता है। श्रीम में स का अर्थ है महालक्ष्मी, र का अर्थ है धन संपत्ति, ई का अर्थ है महामाया, नाद का अर्थ है विश्वमाता, बिंदु का अर्थ है दुख को हरने वाली माँ लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है। ऐसे में वह एक स्थान में ज़्यादा समय के लिए टिकाऊ नहीं रहती हैं। घर में धन संपत्ति की वृद्धि के लिए श्रीम बीज मंत्र से माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। इस बीज मंत्र के जप से समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, श्रीम बीज मंत्र के जप से निवेश में लाभ मिलता है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। तो मैं कहना ये चाहूँगा, जो लोग धनाभाव से गुजर रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है, उन्हें चाहिए कि यथासंभव अगर आप श्वास पर नहीं जप कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप मुँह से ही बोलिए श्रीम 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 श्रीम। यदि मन में चाहे जितना आपके गंदा विचार कहीं से आ रहा हो, चाहे आपका मन कितना भी भटक रहा हो, लेकिन इसको करते रहिए। एक दिन इसकी शक्ति से
आपके मन के जितने अशुद्ध विचार हैं वो सब जल करके राख हो जाएंगे, शेष बचेगा श्रीम। ये मंत्र जप करने से दरिद्रता सद्यह दूर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और संपन्नता प्राप्त होती है। और किसी के नाम के सामने श्रीमान तब लगता है जब वो लक्ष्मी से युक्त होता है, श्रीमती तब लगता है जब वो लक्ष्मी से युक्त होती है। तो ऐसे में अगर आपको भी श्रीमान और श्रीमती बनना है तो श्रीम बीज मंत्र का अनुसरण कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं चौथे बीज मंत्र के, जिसके जाप से ही आपको देवों के देव महादेव की कृपा मिल सकती है। बताएं पंडित जी, क्योंकि महादेव की कृपा तो हर कोई चाहता है कि महादेव की कृपा मिल जाएगी तो हर दुख दूर हो जाते हैं। देखिए, भगवान शिव का जो बीज मंत्र है वो है होम। भगवान शिव का बीज मंत्र है होम। ह का अर्थ है शिव और ओम का अर्थ है सदा शिव। होम बीज मंत्र का जप करने से अकाल मृत्यु निराशा से मुक्ति मिलती है और रोगों से लड़ने में मदद मिलती है। होम बीज मंत्र मुक्ति पाने का भी मार्ग है। महामृत्युंजय मंत्र में होम बीज मंत्र का प्रयोग किया गया है। तो निश्चित रूप से जो लोग इस बीज मंत्र का भी जप करते हैं वो भी भगवान शिव के कृपा पात्र बन जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं पांचवें बीज मंत्र की, और इस बीज मंत्र से के जाप से ही आपको मां दुर्गा की कृपा मिल सकती है। बताएं पंडित जी। देखिए, मां दुर्गा का बीज मंत्र है दुंग। मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दुंग बीज मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। द का अर्थ है दुर्गा और उ का अर्थ है सुरक्षा, और दुर्गा का अर्थ होता है दुर्गति दुरावय यस्यसह दुर्गा, जो दुर्गति को दूर कर दे वही है दुर्गा। दुर्गति दुरावय यस्यसह दुर्गा, जो दुर्गति को दुरावे वही है दुर्गा। मां दुर्गा के इस बीज मंत्र से मनोकामना पूरी होती है और साधक को सकारात्मक ऊर्जा के साथ शक्ति भी मिलती है। इस बीज मंत्र के जप से वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है। और एक बात और बताना चाहूँगा आपको, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में एक चर्चा आती है कि चारों वेद, छह शास्त्र, 18 महापुराण आप पढ़ लीजिए, लेकिन इससे केवल चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से होती है। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण, गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी का नाम राधा है और बुद्धि स्वरूपा देवी का नाम दुर्गा है। प्राण स्वरूपा देवी का जो मंत्र राधा का है वो है ह्रीम श्रीम राधाये स्वाहा, ये 6 अक्षर का मंत्र है। और दुर्गा का जो मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र है भगवान कृष्ण के बुद्धि स्वरूपा देवी दुर्गा का। तो इसलिए जो दुर्गा के भक्त इन मंत्रों से दुर्गा का आयोजन करते हैं उनके जीवन से दुर्गति सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज कालचक्र में पंडित जी आपको बीज मंत्रों की शक्तियों के बारे में खास जानकारी दे रहे हैं, और अपने इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और इस बात की बात अब कर लेंगे छठे बीज मंत्र की। इस बीज मंत्र के जाप से ही आपको कन्हैया लाल यानी भगवान कृष्ण की कृपा मिल सकती है। पंडित जी देखिए, भगवान कृष्ण तो पालन करता बताए जाते हैं, और भगवान कृष्ण की कृपा हर कोई चाहता है कि उन्हें मिले, इसके लिए ऐसे कौन से बीज मंत्र का उपाय करना चाहिए? देखिए, अब हम काम बीज की बात करेंगे। क्लीम जो है इसका शास्त्र सम्मत नाम है काम बीज, और इस क्लीम बीज मंत्र का संबंध सीधे गोलोकवासी परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण से है। क का अर्थ है कृष्ण, ल है इंद्र और ई है संतुष्टि, बिंदु है दुख का हरण करने वाला। ये मंत्र काम बीज है।
और कृष्ण बीज भी है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वो लोग अगर इस बीज मंत्र को भगवान श्री कृष्ण के नाम से जोड़ करके जप करें तो निश्चित रूप से उन्हें जितना वृंदावन में रहने का पुण्य प्राप्त होता है उतना पुण्य घर रहने पर भी मिलेगा। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का नित्य 10 माला जप करने से और भगवान श्री कृष्ण की छवि अपने हृदय में धारण करने से जितना वृंदावन में रहने का पुण्य प्राप्त होता है उतना ही पुण्य आपको अपने गृहस्थ आश्रम में भी मिल सकता है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस बीज मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। वैसे दुर्गा सप्तशती में ऐम को सरस्वती का बीज मंत्र माना गया है, ह्रीम को माया बीज कहते हैं और क्लीम को काम बीज कहते हैं, और त्रिपुर सुंदरी की साधना के लिए जो खोरसाक्षरी मंत्र है, कामो योनि कमला वज्रपाणी गुहा हसा मातरिस्वा भमिंद्र पुनर्गुहा सकला माया पुरुरुच्च श्याम विश्व मातादि विद्योम, ये देव्य अथर्व शीर्ष का 14वां श्लोक है। अगर आपके घर में दुर्गा सप्तशती है तो आप देवी अथर्व शीर्ष को खोल करके 14वें श्लोक को पढ़िएगा और उसका टीका पढ़िएगा, तो इसके टीका से आपको पता चलेगा कि क्लीम या काम बीज क्या है। कामो योनि कमला वज्रपाणी गुहा हसा मातरिस्वाभमिंद्र पुनर्गुहा सकला माया पुरुचय साम विश्व मातादि विद्योम, और इसका प्रभाव तब बढ़ जाता है जब दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों को क्लीम बीज से संपुटित कर दिया जाता है, तब व्यक्ति का अभिष्ट जो होता है वह सद्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस सातवें बीज मंत्र के, जिसका बस जाप करने से ही आपको सभी सुखों की प्राप्ति भी होगी और ज्ञान भी मिलेगा, वृद्धि होगी। बताएं पंडित जी, क्योंकि ज्ञान जहां रहेगा वहीं सुख भी रहेगा। कई बार सुख रहता है, ज्ञान का अभाव है तो वो लोग सुखी नहीं रहते। कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में कोई भी पूजा बिना भगवान गणेश के शुरू नहीं की जाती है। सबसे पहले आदव गणेश पूज्यताम, सबसे पहले गणेश की ही पूजा होती है, और भगवान गणेश का बीज मंत्र है गंग, ग के ऊपर बिंदी गंग, ये भगवान गणेश का बीज मंत्र है। गणेश अथर्व शीर्ष के अनुसार गंग गणपति के लिए उपयोग किया गया है और बिंदु दुखों का नाश करने वाला है। भगवान गणेश का दूसरा बीज मंत्र है ग्लौंग, गंग बीज मंत्र के जाप से ज्ञान की वृद्धि होती है, बुद्धि का विकास होता है और सुख की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की कुंडली में बुध या केतु की दशा चल रही हो और जिंदगी बिल्कुल नारकीय हो गई हो, समस्याओं ने अपना कोहराम मचा रखा हो, उन सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि भगवान गणेश के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप 125 दिन करके आप परिस्थितियों से निजात पा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आप बात कर लेते हैं उस आठवें बीज मंत्र की, जिसका जाप करने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है। बताएं पंडित जी। देखिए, बीज मंत्र तो सारे दुर्भाग्य को दूर करते हैं और सौभाग्य का उदय करते हैं। ह्रीम जो है ये बीज मंत्र माया बीज मंत्र है, इसको माया बीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माया बीज। कामो योनि कमला वज्रपाणी गुहा हसा मातरिस्वाभमिंद्र पुनर्गुहा सकला माया पुरुचे साम विश्व मातादि विद्योम, ह्रीम जो है ये निश्चित रूप से माया बीज है। और भुवनेश्वरी का ये एकाक्षरी मंत्र है। भुवनेश्वरी साधना में जो साधक इस मंत्र का 32 लाख का पुरस्चरण कर लेते हैं उन पे भुवनेश्वरी देवी की असीम अनुकंपा सदा सर्वदा बरसती है। इस मंत्र का 32 लाख जप करने के बाद भुवनेश्वरी देवी की सिद्धि भी हो जाती है, और भुवनेश्वरी का तात्पर्य लक्ष्मी से भी है,
ह का अर्थ है शिव, र का अर्थ है महामाया, ई है विश्व माता, बिंदु दुख हरता है। ह्रीम बीज मंत्र का जप करने से व्यक्ति को भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों की कृपा मिलती है। इस बीज के जप से दुखों का अंत हो सकता है। इस बीज मंत्र का जप करने से दुर्भाग्य मिटता है। इस बीज मंत्र के जप से व्यक्ति के अंदर नेतृत्व की क्षमता में वृद्धि होती है। और इस बीज मंत्र से संपुटित दुर्गा सप्तशती का 100 पाठ करने से ऐसा आदमी त्रैलोक्य में विजयी होता है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस नौवे बीज मंत्र के, जिसका बस जाप करने से ही आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और कभी भी आपको धन का अभाव नहीं रहेगा। जानते हैं पंडित जी से। देखिए, दंग भगवान विष्णु का बीज मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से वैवाहिक जीवन में आ रहे कष्ट दूर होते हैं। वैवाहिक जीवन में धन का अभाव नहीं रहता है और पति पत्नी दोनों को अच्छी सेहत प्राप्त होती है। निश्चित रूप से अगर आप, ये तो एक एक अक्षर के बीज मंत्र हैं, लेकिन अगर आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः, इसमें 3 बीज मंत्र हैं। ऐं सरस्वती का बीज मंत्र है, ह्रीं माया बीज है और क्लीं काम बीज है। और ये नवाक्षर जो हैं नव चक्र को जागृत करने वाले हैं। अगर अभी तक आप 7 चक्र जानते हैं, शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो आज मैं आपको बताता हूँ शरीर में 9 चक्र होते हैं। 7 चक्र मूलाधार से सहस्रार तक होते हैं, लेकिन उसमें 2 चक्र और जुड़ते हैं, ललना और गुरु चक्र। ललना चक्र जो होता है तालु मूल में होता है, गुरु चक्र जो होता है वो जिह्वा मूल में होता है। तो ये ललना और गुरु चक्र दोनों जब मिल जाते हैं तो इन 9 अक्षरों का विन्यास इन 9 चक्रों पर किया जाता है, जिससे व्यक्ति के अभीष्ट की सिद्धि होती है। लेकिन यह साधना किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए। स्वतः से यह साधना करना थोड़ा सा नुकसानदेह भी हो सकता है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देखिए, अलग अलग बीज मंत्र को तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन पंडित जी ने यह भी बताया कि एक बीज मंत्र से भी आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस 10वें बीज मंत्र की, जिसका जाप करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी। पंडित जी, देखिए, माँ काली का बीज मंत्र है क्लीम। क का अर्थ है माँ काली, र ब्रह्म है, ई महामाया है और बिंदु का अर्थ है दुख हरण। क्लीम बीज मंत्र का जाप करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। क्रीम बीज मंत्र का जप करने से नकारात्मक शक्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति भी क्रीम बीज मंत्र का जप करने से मिलती है। तो ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति को महाकाली की अपार कृपा प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति के ऊपर जादू, टोना, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण किसी भी क्रिया का प्रभाव नहीं रह जाता है। जो लोग क्रीम बीज मंत्र का नित्य एक माला सुबह एक माला शाम जप करते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का अभिचार लागू नहीं होता है। और जो लोग चतुर्भुजा महाकाली का चित्र अपने हृदय में धारण करके और इस क्रीम बीज मंत्र का जप करते हैं वो हर प्रकार के उपद्रव से सुरक्षित रहते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उसी 11वें बीज मंत्र के, जिसका बस जाप करने से आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़ेगी और आपका मन भी शांत रहेगा। पंडित जी बताएं। देखिए, अब एक ऐसे बीज मंत्र की बात करना चाहता हूँ जिसको कम लोग ही जानते होंगे। ये बीज मंत्र है फ्रॉम। ये बीज मंत्र शक्ति और सुरक्षा प्राप्त कराता है। जिसको भी भय लगता है उसको फ्रॉम बीज मंत्र का जप करना चाहिए। ये हनुमान का बीज मंत्र है। अगर आपने हनुमान जी की गंभीर उपासना की होगी तो आपको लांगुल स्त्रोत अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बीज मंत्र आपको मिलेगा। इसके जप करने से तन मन की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस 12वें बीज मंत्र की, जिसका बस जाप करने से ही आपको भगवान भैरव की खास कृपा मिलेगी।
पंडित जी बताएं। देखिए हुंग या हंग ये शक्तिशाली बीज मंत्र भैरव का है और वंग ये शक्तिशाली बीज मंत्र बटुक भैरव का है। बटुक भैरव और भैरव में अंतर इतना ही है, बटुक भैरव हर समय 12 वर्ष के बालक ही रहते हैं और भैरव बहुत सयाने हैं। तो भगवान भैरव भगवान शिव के ही उग्र रूपों में से एक हैं। इस बीज मंत्र से ह भगवान शिव और ओम भगवान भैरव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो कानूनी मामलों में फंसे हैं उनको हंग या हुंग बीज मंत्र का जप करना चाहिए। इस बीज मंत्र के जप से मान सम्मान भी बढ़ता है। इस बीज मंत्र के जप से दुखों का नाश होता है। जानते हैं भैरव का मंत्र है ओम ह्रीं बंग बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। तो कहने का मतलब यह है कि भैरव की साधना करने के बाद व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार के अभिचार टोने टोटके जादू मारण मोहन स्तंभन विद्वेषण का भय समाप्त हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक व्यूअर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रशांत पटना से जुड़ चुके हैं। प्रशांत आप अपने सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी गोर लगी। हाँ सदा सुखी रहिए बाबा। मेरा जन्म 13 जून 1975 है, शाम के 8:10 पे। जी जी मेरा काम बनता बनता बिगड़ जाता है बाबा, हम बहुत परेशान हैं और बहुत दिनों से आपसे प्रयास कर रहे थे बात करने की। चलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका काम बनते बनते न बिगड़े तो आपको बताता हूँ, ओम गंग गणपतये नमः इस बीज मंत्र का आप 10 माला रोज सुबह भगवान गणेश का ध्यान करके जप करना शुरू करिए। जिस दिन 125 दिन हो जाएगा उसके बाद कोई काम आपका नहीं बिगड़ेगा। जिस काम में भी आप हाथ लगाएंगे उसी काम में आपको सफलता मिलेगी। भगवान गणेश के आशीर्वाद की आपको सख्त आवश्यकता है और इस साल धनतेरस के दिन एक गणेश प्रतिमा मिट्टी की और एक लक्ष्मी प्रतिमा मिट्टी की घर में लाइएगा। दिवाली के दिन उनकी स्थापना करके और नित्य उनका पूजन करिएगा, इससे भी आपका संसार सुखी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने इस खास सेगमेंट की अब शुरुआत करते हैं और बात करते हैं 13वें बीज मंत्र की, जिसका जाप करने से मिलेगा आपको माँ सरस्वती की कृपा और हर फील्ड में मिलेगी सफलता। पंडित जी ये तो मुझे लगता है कि हर कोई चाहता है कि उन्हें सफलता मिले चाहे वो जिस भी फील्ड में हो, इसके लिए क्या ऐसा मंत्र है जिसका उपाय करना चाहिए? आयंग भी कह सकते हैं, आयम भी कह सकते हैं। ये माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। आयंग का अर्थ है सरस्वती, बिंदु का अर्थ है दुखों का अंत। इस बीज मंत्र के जप से साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, ज्ञान उदय होता है। जो व्यक्ति कम्युनिकेशन की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं वो एम बीज मंत्र का जप जरूर करें। और मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा और सभी अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि जैसे आपने अपने बच्चे को गायत्री मंत्र याद करवाया है उसी तरह से आप अपने बच्चे को ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र को भी याद कराइए और कम से कम 5 बार सुबह शाम बच्चे को ये मंत्र बोलने का अभ्यास डालिए। तब आपको कभी अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर सिर पीटना नहीं पड़ेगा बल्कि वो स्वतः माँ सरस्वती की कृपा से सराबोर होकर के आगे निकलता चला जाएगा। बस आपकी छोटी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को खेल खेल में ही ओम ऐं सरस्वत्यै नमः बोलना सिखाइए और कोशिश करिए कि वो स्कूल जाने के पहले 5 बार हाथ जोड़ करके ये मंत्र बोलकर घर से जाए और शाम को सोने के पहले 5 बार ये मंत्र बोले। एक दिन जानते हैं एक एक ईंट से बिल्डिंग बनती है। अगर एक दिन ऐसा आएगा जब उसके बचपन के किया हुआ ये सारा जप और फलित होगा तो वो बच्चा पूरे राष्ट्र में आपका नाम करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके विरोधी आपको बहुत परेशान कर रहे हों तो आपको ऐसे में किस बीज मंत्र का जाप करना चाहिए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए धूम बीज मंत्र का संबंध देवी धूमावती से है।
विरोधियों से अगर बहुत परेशान हैं, आपके शत्रु अगर काम में बाधा डाल रहे हैं, शत्रुओं से मुक्ति के लिए धूम बीज मंत्र का जप जरूर किया जाता है। ये देवी मारण की देवी हैं, ये आपके शत्रु को मारती हैं। सुहागन महिलाओं को, कुंवारी कन्याओं को इन देवी का दर्शन नहीं करना चाहिए, विधवा महिलाएं इनका दर्शन कर सकती हैं। इनका एक बहुत अच्छा मंदिर दतिया में पीताम्बरा मंदिर के ठीक दक्षिण तरफ है, जहाँ इनके मंदिर में पूर्ण रूपेण पूरे दिन धुआं धुआं हुआ रहता है, केवल शनिवार को ये मंदिर खुलता है। ये इन देवी का जो वाहन है वो कौआ है, और इनके हाथ में एक सूप रहता है, और ये बड़ी विकराल देवी हैं। इनकी साधना बिना किसी समर्थ गुरु के नहीं करना चाहिए, और इनकी साधना यदि बिना समर्थ गुरु के किया जाए तो साधक के जीवन को भी नुकसान पहुँच सकता है। जय माँ विंध्यवासिनी। आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और उम्मीद ये भी करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर ऐसे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हमारे साथ पंडित सुरेश पांडे जी। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए, और देश दुनिया की खबरों को देखते रहिए न्यूज 24 के साथ।